ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कैपेसिटिव सर्किट का फुल डिस्क्रिप्शन समरी हर चीज मैंने आपको बता दिया था। उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे मैंने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। दोस्तों जरूर आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा रखता हूँ। उसके बाद के जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, जैसे पावर, पावर फैक्टर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंप्रूवमेंट, सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। जब ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी तब हम बात करेंगे आरएलसी, सीरीज सर्किट, तब रेजोनेंस, अदर चीजें देखा जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एसी पावर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एसी पावर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसी पावर व्हिच आई थिंक वी विल बी फॉर यू दैट तीन प्रकार के एसी पावर होते हैं दोस्तों। इसको हम कहते हैं जनरली एक्टिव पावर, दूसरे को कहते हैं हम रिएक्टिव पावर, और तीसरा जो पावर होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर। क्या कहते हैं उसको? अपेरेंट पावर। ये आपका तीन प्रकार का पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। तो अगर हम एक्टिव पावर की बात करें, एक्टिव पावर की, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्त सक्रिय शक्ति। क्या कहते हैं? सक्रिय शक्ति। ये क्या होती है, ध्यान देना। ठीक है, जैसे इसको हम डिफाइन अगर करेंगे तो हम बताएंगे, लिखेंगे यहां पर किसी सर्किट के वोल्टेज और धारा के एक्टिव कंपोनेंट I sin phi के मल्टीपल को क्या कहते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं। अगर इसके मात्रक की हम बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, ध्यान देना है, इसका मात्रक होता है यूनिट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या क्या इसका यूनिट होता है? वाट, किलोवाट, मेगावाट। ये जनरली एक्टिव पावर के क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। ठीक है, सामान्यता होता है, सामान्यता का मतलब जनरली। ठीक है, जैसे जो करंट होता है, जब सर्किट में, एसी सर्किट में अगर हम करंट की बात करते हैं तो एक चीज, एसी सर्किट में जो आपकी करंट होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई कॉस फाई और एक होता है आपका आई साइन फाई। जब वोल्टेज और करंट के एक्टिव कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे, जैसे पी एक्टिव कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो जो सप्लाई करंट होता है ना दोस्तों, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई कॉस फाई, एक होता है आई साइन फाई। तो अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम सर्किट में देखें, मान लीजिए ऐसे ही अगर करंट फ्लो, मान लीजिए ये रेजिस्टिव सर्किट है और यहाँ पे आपका इंडक्टिव सर्किट है, ये करंट आपकी आई है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई कॉस फाई होगी और इसमें जो करंट होगी वो आई साइन फाई होगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो करंट आपकी सप्लाई करंट है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई कॉस फाई, एक होता है आई साइन फाई। इसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, हमेशा रेसिस्टर में फ्लो होता है, और ये है आपका रिएक्टिव कंपोनेंट जो इंडक्टर या कैपेसिटर में फ्लो होता है। ठीक है, तो जब वोल्टेज और करंट के एक्टिव कंपोनेंट यानी कि आई कॉस फाई का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आपका जो वी आई कॉस फाई होता है वो आपका वाट, किलोवाट, मेगावाट में होता है और यही आपका क्या होता है? एक्टिव पावर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये आपका एक्टिव पावर होता है। और ये पावर क्या होता है, इस पावर की अगर विशेषता की बात करें तो ये पावर कंज्यूम होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है,
इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर होता है ना, अगर इसको हम यहाँ से रिमूव करें, इसके बारे में चूंकि लिखने के लिए और सारी बातें हैं जो एक्टिव पावर से रिलेटेड होती हैं, हमेशा देखिए ये एक्टिव पावर होता है ये सर्किट में कंज्यूम हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान देना है इस बात का। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जरूर, ठीक है, देखो यह पावर, एक्टिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं, यह पावर रेसिस्टिव सर्किट में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है, यह पावर रेसिस्टिव सर्किट में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम होता है तो किस फॉर्म में होता है, आप बात कर सकते हैं, कंज्यूम होता है तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइट या हीट, क्या, लाइट और हीट, ठीक है, लाइट या हीट में, यहाँ पे एक चीज और बड़ा लिखिएगा, लाइट या हीट में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इसको हटाने के बाद यहाँ लिख दीजिए, लाइट या हीट में कंज्यूम होता है, किसमें, लाइट या हीट में हो जाता है, यहाँ पे लिखिए सर्किट में क्या होता है, लाइट या हीट में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम हो जाने मतलब यूज हो जाना, ठीक है, कंज्यूम होने का मतलब यूज हो जाना, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम होने का मतलब क्या होता है, यूज हो जाना, किस फॉर्म में, लाइट या हीट के फॉर्म में, जैसे आप हीटर है, हीटर एक रेसिस्टिव सर्किट का एग्जांपल है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसको सप्लाई दिया, तो वो जो सप्लाई करंट जैसे उसमें फ्लो होगी, उसमें जो पावर कंज्यूम होगा वो एक्टिव पावर कंज्यूम होगा, क्योंकि रेसिस्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसमें जो करंट फ्लो होगी क्या होगी, आई का सप्लाई होगी, तो वो आपका करंट क्या होगा, उसमें कंज्यूम हो जाएगा, पूरा पावर ही कंज्यूम हो जाएगी, मतलब किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, जो भी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो हीट मिलेगा, लाइट मिलेगी, लेकिन जो आपका एक पावर जा रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर, क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्टिव पावर वही होता है जो पावर को क्या करता है, कंज्यूम होता है, कोई भी डिवाइस अगर हीट होती है तो एक्टिव पावर की वजह से होती है, ठीक है, आप यहाँ नोट में जरूर लिख लीजिएगा, नोट में, क्या, कोई भी डिवाइस, क्या, कोई भी डिवाइस एक्टिव पावर के ही वजह से, एक्टिव पावर के ही कारण से क्या होती है, हीट होती है, हीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, कहीं किसी किताब में आप पाएंगे नहीं, ठीक है, कोई भी डिवाइस एक्टिव पावर के ही कारण क्या होती है, के ही कारण से क्या होती है, हीट होती है, तो ये तो कहानी थी आपकी किसकी, एक्टिव पावर की। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किस विषय में, री एक्टिव पावर के विषय में, तब हम देखेंगे क्या, अपेरेंट पावर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं किसके विषय में, री एक्टिव पावर के विषय में, रिएक्टिव पावर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आभासी शक्ति, इसको हम क्या कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं, ये तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें, हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो कैसे, किसी सर्किट में, ठीक है, किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के, वोल्टेज और करंट के रिएक्टिव कंपोनेंट, किसका, रिएक्टिव कंपोनेंट,
किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के रिएक्टिव कंपोनेंट के मल्टीपल से प्राप्त होने वाला, क्या होने वाला, प्राप्त होने वाला जो पावर होता है, प्राप्त होने वाला पावर क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है। ठीक है, किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के रिएक्टिव कंपोनेंट के मल्टीपल से प्राप्त होने वाला पावर क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट KVAR, ठीक है, MVAR मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, होता है। तो अगर इसका हम फार्मूला देखेंगे ना रिएक्टिव पावर का, तो ये होता है आपका वोल्टेज गुणे करंट का कौन सा कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, यानी कि VI साइन फाई। ठीक है, इसका मात्रक हमने लिखा किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्टा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये हो गया आपका VI साइन फाई। ठीक है, तो VI साइन फाई है क्या, तो यहाँ पर अगर क्या है, रिएक्टिव पावर है। VI साइन फाई क्या है आपका, रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे यह पावर सर्किट में, यह पावर सर्किट में कभी भी कंज्यूम नहीं होती। क्या होती, कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। यह पॉजिटिव साइकिल में सोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं और निगेटिव साइकिल में पुनः सोर्स को वापस कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। ध्यान देना है, यह पावर पॉजिटिव साइकिल में आता है, नेगेटिव साइकिल में पुनः सोर्स को वापस चला जाता है, मतलब कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में यह पावर, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव सर्किट में यही पावर क्या करता है, फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है। इंडक्टिव सर्किट में यह पावर क्या करता है, यह पावर फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है। क्या उत्पन्न करने का, फ्लक्स उत्पन्न का कार्य करता है, मतलब इस पावर से ही फ्लक्स क्या होती है, उत्पन्न होती है। ध्यान देना है, ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या करता है, फ्लक्स। ये पावर आपका एक्टिव पावर क्या था, वो हीट उत्पन्न करने का काम करता था। ये पावर क्या करता है, फ्लक्स उत्पन्न करने, इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या करता है, फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है। ये आपका क्या है, एक इमेजिनरी पावर है, काल्पनिक शक्ति है। ठीक है, आपने देखा कि जो आपका करंट होती है, सप्लाई करंट, उसके दो कंपोनेंट आपने देखा, एक देखा आई कॉस फाई और एक आपने क्या देखा, आई साइन फाई। दो कंपोनेंट आपने देखा, तो इसका जब आपने पावर से वोल्टेज से जब इसका गुणा कर दिया तो एक्टिव पावर बन गया, और जब वोल्टेज से इसका गुणा कर दिया तो रिएक्टिव पावर हो गया, और जब वोल्टेज से सप्लाई करंट का हम गुणा कर देते हैं तो बन जाता है अपेरेंट पावर, यानी कि जिसमें हीट भी उत्पन्न हो, फ्लक्स भी उत्पन्न हो, तो दोनों का रिजल्टेंट जिसमें मिलता है वही क्या होती है, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर से ही क्या होती है, आपका फ्लक्स भी उत्पन्न होता है और हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह का आपको डिफाइन अगर करना है अपेरेंट पावर में, तो लिखोगे सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के मल्टीपल को हम कौन सा पावर कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें किसके विषय में, अपेरेंट पावर, ये रिएक्टिव पावर हो गया। रिएक्टिव पावर को हमने डिफाइन किया, बस कुछ नहीं है, सप्लाई करंट के जो कंपोनेंट हैं उन्हीं के मल्टीपल से आपको क्या मिलता है, एक्टिव रिएक्टिव पावर मिलता है। और सर्किट में इनका कहाँ यूज है ये बात है हम बता दिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से हमारी बातों को ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए
कि कोई सर्किट है इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये आर है, इसमें जो पावर कंज्यूम होगा दोस्तों, इसमें जो पावर कंज्यूम होगा वो ये होगा वी आई कॉस फाई, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाएगा इसमें। मान लीजिए ये आपका क्वायल है, प्योर है, क्या है, प्योर, इसमें जो पावर एब्जॉर्ब में डिलीवर होगा वो कौन सा पावर होगा, वो होगा वी आई साइन फाई, ठीक है, प्योर अगर है तो। अब मान लीजिए ये इंडक्टर है और इंडक्टर शुद्ध नहीं, इसमें कुछ मात्रा में क्या है, रेसिस्टेंस भी है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर दिखा दे, इसके रेसिस्टेंस को निकाल के यहाँ पे दिखा दे, एल और आर, ठीक है। तो जो आप पावर देंगे, जो यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा, इसके वजह से जो दोनों में करेंट फ्लो होगी, यहाँ तो फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करेगा, यहाँ आपको कौन सा पावर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ से कौन सा पावर होगा, यहाँ पे आपको रिएक्टिव पावर कंज्यूम होगी, यानी कि यहाँ पे आपका रिएक्टिव पावर, यहाँ पे एक्टिव पावर, दोनों पावर यूज हो रहा है, यानी कि सप्लाई से दोनों पावर का रिजल्टेंट पावर सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि जहां पर ये दोनों पावर का रिजल्टेंट मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे जिस पावर की वजह से आपका हीट और फ्लक्स, अगर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो दोनों भी उत्पन्न होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वोल्टेज और सप्लाई करंट के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम पहले बेसिक मेथड से अगर इस चीज को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बात करेंगे, अपेरेंट पावर सबसे पहले हम देख रहे हैं, अपेरेंट पावर। तो अगर हम इस अपेरेंट पावर को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कैसे, देखिए सप्लाई वोल्टेज, किसका सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करेंट के मल्टीपल को, किसको मल्टीपल को, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करेंट के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं। ध्यान देना है इस बात को, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वी आई वोल्टेज का करंट, आपका वोल्ट का करंट का एम्पियर भी है, ठीक है, इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, तो इसके यूनिट आपके भी है, के भी है, एम भी है, ठीक है, इसके यूनिट इत्यादि होते हैं, क्या होते हैं, इत्यादि होते हैं, ठीक है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के मल्टीपल को क्या कहते हैं, हम अपेरेंट पावर कहते हैं, इसके यूनिट आपका वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर इत्यादि क्या होता है, होता है, ठीक है। तो आज दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरे शब्दों में, अभी आपने एक्टिव पावर पढ़ा, रिएक्टिव पावर पढ़ा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम क्या करते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं, यानी अपेरेंट पावर कहते हैं। लिख सकते हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, कौन सा पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर के रिजल्टेंट को ध्यान देना है, रिजल्टेंट को एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के रिजल्टेंट को, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, आपका अपेरेंट पावर, क्या कहते हैं, अपेरेंट पावर, पावर पावर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जहां इम्प्योर कैपेसिटर है, इम्प्योर इंडक्टर है, प्योर नहीं है, कुछ इसमें रेसिस्टेंस भी है, कुछ इसमें हीट भी उत्पन्न हो रहा है, कुछ उसमें फ्लक्स भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका मतलब कि उसमें दोनों पावर यूज हो रहे हैं, यानी कि वहां पे दोनों पावर का रिजल्टेंट पावर वर्क कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपेरेंट पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये है अपेरेंट पावर का डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए हम पावर ट्रायंगल को देख लेते हैं कि एक ही ट्रायंगल पे इस तीनों पावर को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको हम देख लेते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। ठीक है, मान लीजिए कि धारा के एक्टिव कंपोनेंट को हम यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट करंट का है। आप मान सकते हैं कि ये आपका इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है जो इस वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है रेसिस्टर के थ्रू, जो करंट फ्लो होता है वोल्टेज के सेम फेज में होता है, तो आई कॉस फाई इसके फेज में है, आई साइन फाई से 90 डिग्री लैग कर रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर। ठीक है, और रिएक्टिव पावर मतलब करंट इससे 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, तो ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। अभी अभी आपने देखा कि जो अपेरेंट पावर है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपेरेंट पावर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पावर ट्रायंगल। क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल। ठीक है, जिस ट्रायंगल पे हम तीनों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, पावर ट्रायंगल। यहां लिख सकते हैं जिस ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जिस ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रायंगल पर तीनों पावर को, जिस ट्रायंगल पर तीनों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिस ट्रायंगल पर तीनों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम, जिस ट्रायंगल पर तीनों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पावर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जिस ट्रायंगल पर तीनों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पावर ट्रायंगल। अब हम बात करते चल रहे हैं किसके विषय में, पावर फैक्टर के बारे में। देखते हैं क्या होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए आगे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, तीनों साल में आपके सामने आएगा, विकराल रूप के साथ आएगा। अगर आप इसको यहाँ नहीं समझे तो वहां कदापि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां केवल बार बार पावर फैक्टर लो हो रहा है, हाई हो रहा है, बस यही नाम क्या आएगा, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी नहीं आपको बताया जाएगा, बस लो हो रहा है, हाई हो रहा है, इससे लो हो रहा है, इससे हाई हो रहा है, बार बार यही नाम आएगा, दिमाग पागल हो जाएगा। लेकिन कोई चीज आप समझे ही नहीं है, लो और हाई बस इतने समझ रहे हैं, तो यहाँ आप उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, पावर फैक्टर, हम एक्टिव पावर की बात करते हैं, एक्टिव पावर की, तो हम जानते हैं एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है, या तो आप पढ़े हैं। तो वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज और सप्लाई करेंट का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपेरेंट पावर। इसको तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, अपेरेंट पावर इनटू कॉस फाई, और ये आपका क्या है, एक्टिव पावर। ये आपका क्या है, एक्टिव पावर, ये तो आप जान ही रहे हैं। और ये आपका देखिए, ये आपका जो कॉस फाई है इस पावर का क्या है, गुणक है। अपेरेंट पावर का क्या है, गुणक है। तो अपेरेंट पावर का ये गुणक है क्या है, कॉस फाई। तो इस गुणक को ही हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इस पावर का क्या है, फैक्टर है ये। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यहां से डिफाइन आप इन्हें कहेंगे, अपेरेंट पावर के गुणक को हम पावर फैक्टर कहते हैं, ऐसा कहने में गलत हो जाएगा, क्योंकि वी आई साइन फाई में भी वी आई अपेरेंट पावर है और वहां गुणक आपका साइन फाई, वो पावर फैक्टर नहीं है। देखिए दोस्तों, तो यहां से अगर हमें कॉस फाई को रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्टिव अपॉन अपेरेंट, पी अपेरेंट। ठीक है, पी अपेरेंट यानी कि एक्टिव पावर अपेरेंट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। यहां पे लिख सकते हैं क्या, एक्टिव पावर और क्या, और अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के रेशियो को,
के रेशियो को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव पावर अपेरेंट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पावर है, दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसका कोई अपना जो है यूनिट नहीं होता, ध्यान देना है। और इसको दूसरे शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। मान लीजिए आपका वोल्टेज है, इनके बीच का एंगल आई, यानी कि भी है ये आई, इनके बीच का एंगल फाई है, तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल के कोज्या को क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, क्या सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच के कोण के बीच के कोण के कोज्या को, किसको, कोज्या को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट के कोण के कोज्या को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे परिभाषाएं हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तो हमने केवल इनके बारे में जाना, ये होते क्या है, अपेरेंट एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का रेशियो, ये जो कास पाई है ये क्या है, पावर फैक्टर है। इसी को हम क्या करते हैं बेटा, पावर फैक्टर, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहां आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, व्हेन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इंक्रीजेज, ठीक है, व्हेन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ cos phi डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ध्यान देना है, अगर एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो cos phi की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इनके बीच का एंगल घट रहा है तो cos phi का एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ध्यान देना, ठीक है। अगर वोल्टेज करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इनके cos phi की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे cos 0 का मान क्या होता है, मैक्सिमम 1, cos 90 मान जो एंगल सबसे बड़ा है तो वैल्यू सबसे कम होता है। तो एंगल बढ़ता जा रहा है तो रिजल्ट cos phi की वैल्यू क्या हो रहा है, एंगल कम है तो रिजल्ट ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो रिजल्ट कम है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसी से ही आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने जो आपको बताया वो केवल मैंने आपको बताया शक्ति गुणांक के विषय में। किसके विषय में बताया दोस्तों, शक्ति गुणांक के विषय में, कि पावर फैक्टर इन रियल होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब पावर फैक्टर का मान बढ़ता है या पावर फैक्टर का मान घटता है, जैसे cos phi की वैल्यू है तो 0 से 1 के बीच में मूव करेगा ना वैल्यू, मान लो 0 से 1 के बीच में 0.5 भी हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी कि जो cos phi की वैल्यू है ये जब बढ़ता है या घटता है तो सर्किट में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपको जानना समझना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में cos phi की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है सिस्टम पे, इस चीज को हम जरा देखेंगे, ठीक है। क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या है। पावर फैक्टर जो इस प्रकार से वेरी करके आपका नुकसान कर रहा है दोस्तों, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, एडवांटेज ऑफ, ध्यान देना है, एडवांटेज ऑफ हाई पावर फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा उच्च शक्ति गुणांक के हानियां, लाभ, उच्च शक्ति गुणांक के लाभ, क्या लाभ होते हैं इसके, जब पावर फैक्टर
हाई होता है दोस्तों तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, चलिए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको पॉइंट वाइज हम इसको क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वी आई कास फाइव होता है, जनुसिद्ध अधिकार है, इस बात को आप जानते हैं, तो कास फाइव इक्वल टू वी अपान आई होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सिस्टम में पी अपन वी का रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितने भी मशीनें हैं कुछ भी आप डेटा स्विच में देखेंगे उसका पावर, उसका वोल्टेज उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी कास फाइव है, जब ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आ जाएगा, यानी कि कास फाइव मोस्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट इन द सर्किट, जो सप्लाई करंट फ्लो हो रही है सर्किट में वो कास फाइव पे क्या है, मोस्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब पावर फैक्टर आपका हाई होगा दोस्तों तो करंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ लिखेंगे व्हेन पावर फैक्टर आपका हाई है ना, पावर फैक्टर क्या है, हाई है, तो जो फ्लोइंग करंट है सर्किट, ठीक है, जो फ्लोइंग करंट है सर्किट में ना वो क्या होगी, लो होगी। आपका सर्किट नुकसान हो गया, नुकसान नहीं होगा। देखिए अब ऐसा होने से फायदा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहला फायदा हम देखेंगे कि सर्किट में पावर लॉस कम हो जाता है, पावर लॉस मतलब आई स्क्वायर आर लॉस, पावर लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पहला लाभ। भाई जब करेंट कम तो पावर लॉस कम, ठीक है। दूसरा, सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है, सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप मतलब आई इंटू जेड, जैसे आई इंटू आर था एसी में जेड आ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब केवीए रेटिंग की बात करें, जैसे करंट अगर बढ़ रही है तो सिंपल जी है, तो आई सिंपल है कि करंट अगर बढ़ रहे तो केवीए किलो वोल्ट एम्पीयर एम्पीयर भी बढ़ेगा, तो केवीए रेटिंग यानी कि मशीन की जो केवीए रेटिंग है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। मशीन की केवीए रेटिंग क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान दीजिएगा, केवीए रेटिंग क्या हो जाती है, घट जाती है। केवीए रेटिंग घट जाने मतलब आप कम केवीए का रेटिंग का भी आप सामान खरीद के लाएंगे तो भी कम कर जाएगा पावर फैक्टर, है ये तो कम रेटिंग का यानी कि कास्ट भी कम हो जाता है, अर्थात कास्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात कास्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब जो तार का साइज है, मान लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा पानी ले जाना हो तो जाहिर सी बात है नाली के हम गोमा का यूज करेंगे, ज्यादा पानी कम होगा तो हमें बहुत बड़ा नाली नहीं बनाना पड़ेगा, छोटा नाली। उसी तरह से जब करंट कम होगा तो हमें मोटा कंडक्टर नहीं पतला कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, जिससे उसका भी कास्ट क्या हो जाएगा, लिखेंगे पतले कंडक्टर से ही कार्य चल जाता है, पतले कंडक्टर से ही कार्य हो जाता है, ठीक है। जब पतले कंडक्टर से ही कार्य हो जाएगा जिससे मशीन का साइज छोटा होता है, ठीक है। पतले कंडक्टर से ही कार्य हो जाता है, जिससे मशीन का जो साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों, छोटा हो जाता है, जिससे कास्ट आपका कम आता है, जिससे आपका जो कास्ट होता है ओवरऑल कास्ट क्या आता है कम आता है, ठीक है। जब पतला मोटे की जगह पे जब पतला कंडक्टर यूज होगा तो मशीन का साइज छोटा हो जाएगा, जिससे कास्ट आपका क्या आएगा, कम आएगा दोस्तों। तो ये सारे आपके सामने जो भी दिख रहे हैं वो पावर फैक्टर हाई होने पे ये सारे क्या होंगे, आपके एडवांटेज हैं जो आपके सामने क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे हाई पावर फैक्टर के सब क्या है एडवांटेज हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेज आपको इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। आपका जो रेट आएगा, बिजली का जो रेट आएगा, भाई जब करंट कम है तो बिजली का जो रेट आएगा वो भी कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगी, ठीक है। एक एडवांटेज में भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या आता है, कम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या है, जब सिस्टम में पावर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए जितना पावर आप देना चाह रहे हैं सिस्टम में, उतना पावर जब मिलेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसके अलावा एक लाभ और लिख लीजिएगा, मान लीजिए आपने जितना वोल्टेज सर्किट को मिल रहा, सप्लाई जितना उसको मिल रहा, उतना ही सारे सिस्टम को मिलेगा, यानी कि वोल्टेज का जो रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को भी लिख सकते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि वोल्टेज का रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी बात बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि वोल्टेज का रेगुलेशन क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, लाभ है, ये सब आपका क्या है, लाभ है। तो पावर फैक्टर हाई होने पर ये सारी बातें आपके सामने लिखी गई है, सारी बातें हाई होने पर ये सब लॉसेस होंगे, सब हमारे लाभ होंगे। भाई करंट कम होगी तो पावर लॉस, अगर इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा। जब आपका कास हाई बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। जब करंट कम होगी तो फिर देखिए, करंट कम होने से क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, आई टू जेड वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो दोनों जब कम होगा तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिर आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, केवीए रेटिंग रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कास्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, केवीए रेटिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, साइज ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कास्ट आपका क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या होगी, कम होगी। ये सारे आपके क्या होंगे, लाभ ही लाभ होंगे, अगर आपका पावर फैक्टर हाई है और करेंट की वैल्यू क्या है, कम है तो। ठीक है, सब आपके सामने क्या दिख रहा है, सब आपका लाभ ही लाभ दिख रहा है दोस्तों। तो एक लाइन में भी आप इन सबको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर पावर फैक्टर कम हो गया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे। तो अगर ये नुकसान होंगे तो फिर इसको कैसे हमको सही करना है, इस विषय में भी हमें क्या करना है दोस्तों, बात करना है। तो चलिए देखते हैं पावर फैक्टर के सुधारने की कौन कौन सी विधियां हैं, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज के जगह पे डिसएडवांटेज लिखेंगे, लाभ के जगह पे हानि लिखेंगे, हाई के जगह पे लो लिखेंगे, हाई के जगह पे क्या लिखेंगे, लो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज हो गया ऑफ लो पावर फैक्टर, क्या, लो पावर फैक्टर, इसको हम कहेंगे क्या, निम्न छोटा शक्ति गुणांक के हानि। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर सिस्टम में लो हो गया तो जितनी भी घटनाएं घटी हैं इसके क्या हो जाएगा, विपरीत घटनाएं होंगी। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, वी आई क्या होता है, कॉस फाई। तो यहाँ अगर हम कॉस फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो पी अपान वी आई होगा, और पी अपान वी अपने आप में क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तो 1/i हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू अगर रिड्यूस हो गई दोस्तों, तो करेंट की वैल्यू उसी के अनुसार क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
जब इंक्रीज हो जाएगी तो घटनाएं क्या होंगी, आई स्क्वायर लॉस बढ़ जाएगा, आई इंटू जेड भी बढ़ जाएगा, इफिशियंसी भी घट जाएगा, वोल्टेज वेरिएशन जो बेटर हुआ करता था वो पुअर हो जाएगा, आपका केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है, केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी कास्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका ज्यादा आएगा, साइज ऑफ कंडक्टर भी बढ़ जाएगा, साइज ऑफ कंडक्टर भी बढ़ जाएगा और रेटिंग ऑफ मशीन भी बढ़ जाएगी, रेटिंग ऑफ मशीन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हानि ही हानि होंगे। अगर इनको आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, सिस्टम में हानियां क्या हो जाएंगी, पावर हानियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी दोस्तों, बढ़ जाएंगी, सिस्टम में हानियां मतलब सिस्टम में पावर हानियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम की जो इफिशियंसी होगी क्या होगी, सिस्टम की इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इफिशियंसी सिस्टम की इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी दोस्तों, ठीक है। लिखेंगे साइज ऑफ मशीन भी बढ़ जाएगा, साइज ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मशीन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर और क्या होगा, ओवरऑल कास्ट भी ज्यादा आएगा, ओवरऑल कास्ट क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्यों ज्यादा आएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो ज्यादा आ रही है, ठीक है, केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगी, इसे भी लिख सकते हैं, क्या केवीए रेटिंग भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है दोस्तों, केवीए रेटिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी आपके क्या है, लाभ है, और वो सारी आपके क्या है, हानियां हैं। तो लाभ और हानि दोनों को आपने देखा, यानी कि हमें क्या चाहिए सिस्टम में, हमें सिस्टम में चाहिए कि पावर फैक्टर का एक निश्चित मान बना रहे, यानी कि जितना हाई से हाई रहेगा पावर फैक्टर उतना ही हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सिस्टम में पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो गई, तो उस पावर फैक्टर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे कैसे, अगर सिस्टम में पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो गई, तो सिस्टम में पावर फैक्टर की वैल्यू अगर कम हो गई दोस्तों, तो उसको हम कैसे इनहेंस करेंगे, कैसे सिस्टम में उस पावर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, तो इसके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है, इसके बारे में समझना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, हम कल वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है सिस्टम का पावर फैक्टर क्या किया जाता है, इनहेंस किया जाता है, कैसे कैपेसिटर लगा करके सिस्टम का पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि थ्री फेज का पावर है, जहां छोटा कैपेसिटर से काम नहीं चलेगा, वहां कैसे इनहेंस करते हैं, सारी बातें बताई जाएंगी, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। धन्यवाद।